नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं बाबा साहब की ऐतिहासिक ज़मीन पे, जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके पैसा और यहाँ से खरीदी थी ये वाली ज़मीन। और हम आपको बताएं कि ये जो पत्थर है ये बाबा साहब ने लगवाया था, लेकिन इसकी जो दशा है वो बहुत खूबसूरत है। तो हमारे साहब कैन साहब हैं यहाँ पर। कैन साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत साहब धन्यवाद जी। कैन साहब, क्या ये जो पत्थर है ये बाबा साहब ने लगवाया था? ये बाबा साहब ने ही इसको लगाया था जी। और बाबा साहब बाकायदा मेरे पास उसकी फोटोग्राफ है, वो भी चाहेंगे तो ले लेंगे जी। लगाते हुए पत्थर जी। ये 51 में लगाया था जी। और ये जो जमीन है वो 46 में खरीदी गई है जी। 7 जून 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस जमीन को खरीद के दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया था जी। और उसकी कार्यकारिणी 17 आदमी की चुन करके। लेकिन इस पत्थर की जो दशा दिख रही है वो तो बहुत नई दिख रही है, क्योंकि और यहाँ पे लिखा है 15 अप्रैल 1951, क्योंकि 51 का पत्थर होता है, 51 का पत्थर है, लेकिन पत्थर तो बिल्कुल नया लग रहा है। हाँ, तो वो ऐसा है कि जो ओरिजिनल है उसका जो पीछे बैक है, ये बैक में था। अच्छा। तो बैक से क्या है, यहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह, तो इसके जो बर्ड्स थे वो खराब हो गए थे जी। कहीं टूट गए थे कुछ है, तो इस करके एसोसिएशन ने डिसीजन दिया कि भाई इसी पत्थर के पीछे ही इसको दोबारा जो है इसको लिखवा दिया जाए और इसको ही लगवाया जाए, जिससे ये पत्थर भी बाबा साहब के हाथ का रहेगा और इसको एक तरीके से नया हो जाएगा। कैन साहब, आपने जैसे बताया कि बाबा साहब ने ये जमीन खरीदी थी, जैसा मैंने भी बताया, लेकिन ये जमीन कितने की खरीदी थी, इसका थोड़ा सा और खुलासा करें। ऐसा है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 4,500 रुपये की जमीन खरीदी थी जी। और बाबा साहब अम्बेडकर इस जमीन के लिए यहाँ दिल्ली में सबसे ज्यादा किसी आदमी में विश्वास करते थे, तो यहाँ संत थे तुलादास, तो संत तुलादास की उन्होंने मदद ली थी जी। और संत तुलादास के ही उससे तो ये यहाँ 4 कमरे भी, ये जो अभी जहाँ लाइब्रेरी है जी, ये संत तुलादास ने बनवाए थे जी। ये बाथरूम थे, तो ये 5 लेटरिन 5 बाथरूम जी, इस तरीके से 10 ये थे जी। तो और ये उनकी जो कुटिया है मोतिया खान जी, वो भी अम्बेडकर भवन से अटेस्टेड है जी। यहाँ पे क्या बहुजन के लोगों को फ्री में मिलता है, जो समय जगह होती है वो यहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? कोई बाहर से आना चाहे तो यहाँ पे रुकने का भी साधन है, लाइब्रेरी भी है, तो इस जगह को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताएं। अभी तक आप ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहीं से जगह से एजिटेशन होते हैं जी। जितने प्रोसेशन हैं हमारे समाज के, चाहे कहीं कहीं का भी हो, किसी भी प्रांत का हो, वो पहले नंबर पर यहाँ आएगा और यहाँ आकर के हम उसकी जैसी भी है हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, और ये बाकायदा प्रोसेशन होता है, जाता है, और गवर्नमेंट को भी बड़ा ये संदेह है, ये क्या चीज़ है पता नहीं चलता, यहाँ सारे देश के लोग यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं। अभी रिसेंटली जो है गुरु रविदास विश्राम धाम के लिए बड़ा संघर्ष हुआ, यहाँ 20,000 आदमी थे और 3 दिन बाकायदा यहाँ उनको खाना वाना दिया गया, सब कुछ रखा गया, और फिर यहीं से एजिटेशन जो है रामलीला ग्राउंड के लिए गया था जी। और फिर वो उसका जो है आज देख रहे हैं आपके, उसकी जो मांगे हैं वो कुछ कुछ गवर्नमेंट कर रही है पूरी जी। 400 स्क्वायर मीटर जो है जमीन उसने दी है वापस, हालांकि 12 एकड़ कुछ दशमलव जो है जमीन थी उसकी जी। और वो ऐतिहासिक जमीन थी, क्योंकि वो जो सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी ने गुरुजी को दान की थी जी। क्योंकि सिकंदर लोधी के टाइम पर ही यहाँ गुरुजी आए थे जी। उसी जहाँ जिसको आज चमारवाड़ा बोलते हैं, तो वो जोहड़ जो है, वो जोहड़ जो आपने रविदास समाज की बात करी, तो रविदास समाज की लड़ाई भी यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन रविदासी समाज आजकल जो है, जो वहाँ पे जो उसको लीड कर रहे हैं वो लोग, वो धम्म और धर्म को अलग अलग करने लग रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, एक्चुअल में तो हमारा जो है धम्म से ही कल्याण होना है जी। और धम्म से कल्याण इसलिए भी होगा क्योंकि हमारी यूनिटी जो होगी वो धम्म के मार्फत होगी जी। अगर हम अलग अलग तरीके से बटते रहेंगे, अभी भी देख रहे हैं हम यहाँ गुरु रविदास विश्राम धाम की लड़ाई में 4 अलग अलग संस्थाएं, 4 अलग अलग आदमी जो है, तो उस पर गवर्नमेंट पर भी क्या असर पड़ता है इन चीज़ों से, पब्लिक पर भी बुरा असर पड़ता है। तो हमको जो है, और जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ से कोई झगड़ा नहीं हुआ, हाँ कुछ लोग होते हैं इस तरीके के, कि हर जगह होते हैं वो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें करने वाले, लेकिन हमारी हमेशा से समन्वय की भावना रही है, और हमने अभी भी 1,00,000 रुपये उस एजिटेशन के लिए दिया है यहाँ से अम्बेडकर भवन के खाते से जी। और वो चेक जो है जो दिल्ली की जो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी है उसके खाते में गया है, और वो बाकायदा उन्होंने उसका यूटिलाइज किया है। आप थे हमारे साथ कुमार सेन साहब, जो बहुत अरसे से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, बाबा साहब की इस बिल्डिंग की देखरेख कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में रहता है। आपने हमारे चैनल से बात की, इसके लिए धन्यवाद सर।
धन्यवाद आपका भी, और आप आए यहाँ पधारे और हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। हमारी नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आप बाहर पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।